नवरात्रि, दो नवरात्रियाँ, एक गुप्त नवरात्रि और एक चैत्र और एक शारदीय नवरात्रि। नवरात्रि शक्ति की उपासना के दिन होते हैं, शक्ति संचय करने के दिन होते हैं। मनुष्य जब जन्म लेता है तो सहज में ही इनबिल्ट उसमें शक्तियाँ होती हैं, जानने की शक्ति, देखने की शक्ति, समझने की शक्ति। कुछ शक्तियाँ मनुष्य के भीतर पहले से ही मौजूद होती हैं, शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति, योग्यताएं भी, कुछ धन, जमीन जायदाद, जोरू प्रारब्ध के अनुसार कहा जाता है कि मनुष्य प्रारब्ध के साथ शरीर के साथ लिखवा कर ले आता है। जिसके साथ शादी तय होनी है उसी के साथ होती है। जितनी जमीन धन संपत्ति आपको मिलनी है, आपके हिस्से में आनी है, उतनी मिलनी ही है, आपके हक का कोई ले नहीं जाएगा। जन्म जहां आपको लेना है वहीं आपको मिलता है। मृत्यु जब होनी है, कुछ चार चीज़ें, जन्म, मृत्यु, जमीन जायदाद, जोरू, जहां पक्का है वहां होता ही है, वो अटल है। तो धन की शक्ति, जन की शक्ति, कलम की शक्ति, यश की शक्ति, कीर्ति की शक्ति, आध्यात्मिकता की शक्ति, यौगिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति, मानसिक शक्ति, कई प्रकार की शक्तियाँ हैं। मनुष्य के भीतर जो जो शक्तियाँ मौजूद हैं, उन शक्तियों का सदुपयोग यदि किया जाए तो वो शक्ति दैवी स्वरूप में आपको मदद रूप होती है। सदुपयोग, भगवान शिव में संहार करने की शक्ति है। तो संहार बुरा कर्म है। कहा जाता है कि अगर कोई किसी को एक बार मार दे तो उस पर केस लगता है, मर्डर का केस, पर भगवान शिव तो पूरी सृष्टि का संहार कर देते हैं, उन पर कोई केस नहीं लगता, वो फ्री रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो संहार करना उनका कर्तव्य है, और संसार को बैलेंस बनाने के लिए या अधर्म का नाश करने के लिए उन्हें समय समय पर अगर संहार करना पड़ता है तो भी वो धर्म है। तो जब संहार की शक्ति या आपके पास क्रोध की शक्ति है, उस क्रोध की शक्ति से भी यदि आप निर्बलों की सहायता करते हैं तो वही शक्ति आपकी बल बनकर आपके साथ काम करती है। पर अगर आपकी क्रोध की शक्ति किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, अपनी सत्ता कायम रखने के लिए, या अपने आप को कुछ दिखाने या समझाने के लिए आप क्रोध की शक्ति का दुरुपयोग करते हैं तो वही आसुरी संपदा कही जाती है। शक्ति संचय के दिन है ये। शक्ति होना बड़ी बात नहीं है। आपने शिवाजी का नाम सुना होगा, महाराणा प्रताप सुना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य सुना होगा, इन सब के पास गुरु थे ना। हिटलर, कंस, रावण, ऐसे कई आसुरी तत्व के लोग भी थे जिनके पास शक्ति तो थी पर शक्ति का दिशा निर्देशन नहीं था। शक्ति तो थी पर शक्ति का नियंत्रण नहीं था। नियंत्रण शक्ति का होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे गाड़ी में ब्रेक होना आवश्यक है, वैसे ही मनुष्य के पास शक्ति अगर है पर उस शक्ति का नियंत्रण करने की शक्ति नहीं है तो वो शक्ति आपको ले डूबती है। तो शक्ति होना बड़ी बात नहीं है पर शक्ति का नियंत्रण होना अत्यंत बड़ी बात है। और शक्ति का नियंत्रण एक गुरु के मार्गदर्शन में जो हो सकता है वो कहीं कोई भी नहीं कर सकता। शिवाजी उसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं, चंद्रगुप्त मौर्य उसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं, महाराणा प्रताप, वो हर सिद्धि माँ को मानते थे, विक्रमादित्य। शिवाजी भी माँ भवानी शक्ति की उपासना करते थे। महाराष्ट्र में, पुणे के लोग, महाराष्ट्र के लोग जानते हैं इस बात को, माँ भवानी, तुलजा भवानी की आराधना किया करते मराठे लोग, शिवाजी भी करते थे। वो शक्ति से शक्ति संपन्न तो हुआ जाता है पर उस शक्ति का सही मायने में उपयोग कहाँ करना है वो आपको गुरु बताते हैं।
यदि शक्ति का नियंत्रण नहीं होगा, हवाएं नियंत्रण में है तो आपको हवाएं ठंडक देती है, वही यदि नियंत्रण में नहीं है तो हवाएं आपको आंधी बनकर उड़ा ले जाती है। समुद्र नियंत्रण में है तब तक अच्छा लगता है, नियंत्रण के बाहर हो जाए तो समुद्र भी पूरी पृथ्वी को डुबाने की ताकत रखता है। बारिश अति वृष्टि हो जाए तो बाढ़ की संभावनाएं पैदा हो जाती है, पर यदि जल नियंत्रण में बरसता है तो पनपता है, धरती को प्लवित करता है, लोगों को आह्लादित करता है, उर्वरा शक्ति बढ़ाता है, फसल उगाता है। तो हर वस्तु नियंत्रण में शोभा देती है। मनुष्य के पास भी काम की शक्ति है, क्रोध की शक्ति है, विचार की शक्ति है, पर ये सभी शक्तियाँ अनियंत्रित हो रही हैं। जब अनियंत्रित हो रही हों तो विनाश निश्चित होता है। काम की शक्ति मनुष्य के पास है तो परिवार सुखी रह सकता है संयम से, पर यदि उसी काम शक्ति का व्यभिचार में दुरुपयोग किया गया तो मार खाएगा पक्का, दुखी होगा पक्का। क्रोध की शक्ति है, क्रोध भी एक शक्ति है, यदि किसी का भला किया जाए तो किस शक्ति का कहां सदुपयोग करना और परार्थ में उस शक्ति का काम लगना सबसे बड़ी शक्ति का सदुपयोग है। तो शक्ति का होना, शक्ति संचय के दिन है, लोग शक्ति की उपासना करते हैं, शक्ति संचय तो करते हैं पर उसे लगाना कहाँ, वो सबसे बड़ी बात है। नियंत्रित शक्ति का होना बहुत आवश्यक है। किसी को बहुत बोलने की आदत है, बोलना भी शक्ति है, हम बोल ही तो रहे, संत बोलते ही तो है, बोलते हैं हृदय को प्रसन्नता होती है, बोलते हैं शांति मिलती है, बोलते हैं तो अज्ञान का अंधकार दूर होता है, बोलने की शक्ति है। मारे गोला प्रेम का, हरे परम की, शब्द की चोट करते हैं, वो शब्द की चोट से अज्ञान का आवरण निवृत्त होता है, ये शब्द की ही तो शक्ति है। पर वही शब्द यदि किसी को नीचा दिखाने के लिए, वही शब्द किसी को बुरा करने के लिए, वही शब्द किसी का अपमान करने के लिए बोला जाता है तो वो आपका भी भला नहीं करता, सामने वाले का भी भला नहीं करता। तो एक ही शक्ति का सदुपयोग भी है, उसी शक्ति का दुरुपयोग भी है। सदुपयोग जब जब जहां जहां हुआ है उसके पीछे जरूर कोई गुरु शक्ति ने काम किया है। इंद्र के पास शक्ति है पर साथ में बृहस्पति है तो इंद्र का पद है। असुर भी जब तक अपने शक्ति को नियंत्रण करने वाले गुरुओं की आज्ञा में चला करते थे तब तक असुर भी बलवान थे। तो शक्ति का होना बड़ी बात नहीं है पर शक्ति का नियंत्रण में होना बड़ी बात है, और शक्ति को नियंत्रित गुरु की शक्ति करती है। शक्ति संचय के दिन है, जहां तहां लोग कहते हैं शक्ति की उपासना करो, शक्ति की उपासना करो, हम ये कहते हैं कि आप वो शक्ति लाओ कि आपकी शक्ति नियंत्रण में, और वो शक्ति कब आएगी, गुरु की निष्ठा में। आपकी शक्ति है निष्ठा रखने की, तब वो शक्ति आपके नियंत्रण में है। तो हवाएं प्रकृति आपकी शक्ति संपन्न है, शक्ति सवर है। प्रकृति जब अगर अपनी नियंत्रण छोड़ दे तो प्रलय हो सकता है। भगवान सूर्य नियंत्रण में है तब तक आपको जीवन देते, वही सूर्य यदि अत्यंत प्रखर प्रचंड रूप से तपने लग जाए तो जीवन लेने वाले हो जाते हैं। वही जल में अत्यंत अथाह शक्ति है, जल जब तक नियंत्रण में है तब तक आपको जीवन देता है, वही जल नियंत्रण से बाहर है तबाही मचाता है। तो प्रकृति को भी परमात्मा रूपी गुरु नियंत्रित करता है,
तब वो शक्ति परार्थ में काम लगती है। नहीं तो आपका मन जब शक्ति सवर होता है ना, यदि आपको, हम तो देखते हैं कई कई छोरे जवान, नई नई बाइक मिलती है तो ऐसी दौड़ते, पता चल ही जाता है कि पहली बार बाइक उठाई है। एक तो जवानी की शक्ति, धन का मद, बड़े पिता के बड़ी बेटे संतान होने का गर्व और घमंड, उस आदमी का एक्सीडेंट हुए बिना नहीं रहता। वो भी शक्ति आपकी दिखती है उसमें, गाड़ी चलाने में। आप जब पहली बार आपको गाड़ी हाथ में मिलती है ना, आपको लगता है अरे उड़ा दूं बस। पहली गाड़ी अगर आपको हाथ में मिली हो, या आपको बाइक हाथ में मिली हो, या आपको किसी ने मजाक में गन पकड़ा दी हो, आप देखो कैसा मन हो जाता है आपका। तो आपका मन अनियंत्रण में है। अनियंत्रित मन न अपना भला करता है न किसी और का। उसको नियंत्रण में लाने के लिए गुरु की शक्ति, गुरु का दंड काम करता है। वो दंड शक्ति है, परमात्मा के पास भी वो दंड शक्ति है। जब अति शक्ति का दुरुपयोग होता है तो परमात्मा दंड दुख के रूप में, कष्टों के रूप में, रोग के रूप में, ऐसी व्यवस्था परमात्मा की है। तो शक्ति का होना बड़ी बात नहीं है, पर शक्ति का नियंत्रित होना बड़ी बात है। इसलिए जब जब मन बहुत उछलता हो तो जरूर अपने भगवान, अपने गुरु के सम्मुख थोड़ी देर बैठ के मन को थोड़ा शांत करो, क्योंकि उछलता हुआ मन गड़बड़ जरूर करता है। आपके विचार जब अनियंत्रित हो जाते तो आपको भी बेचैन कर देते, करते ना। अनियंत्रण में कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ, कोई भी चीज़ आपको सुख नहीं पहुंचा सकती।